स्पीच देखिए पूरा हिलता जा रहा है, मतलब यहाँ से लेके वहां तक तो हम अकेले खड़े हैं अभी। ऐसा लग रहा है बिल्कुल मनाली में खड़ा हूँ, लग रहा है बिहार के अंदर हूँ मैं। नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, आप लोगों को पता नहीं पड़ा। सबको बिहार आइए, सारे आइए, सारे मजे लीजिए, मजे लीजिए साइकिलिंग का मजा लेते हुए। और ये ऊपर से भाई, लेकिन हमको तो बहुत मजा आया, तुम्हारे भाई ने भी तो पूरा पूरा मजा लिया है। मतलब ऊपर जाने के बाद जो हवा है, मॉर्निंग गाइस। तो ये आज अपना चौथा दिन स्टार्ट हो चुका है राजगीर के अंदर, और आज का जो होटल था वो काफ़ी ऊंचाई पे था, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। तो यहाँ से आप व्यू देखेंगे, व्यू देखिए आप बैक साइड में, ये पूरे व्यू के नज़ारे थे, मतलब बिल्कुल टॉप पे आकर लिया इसीलिए ताकि व्यू मिले थोड़ा बढ़िया, मज़ा आया। और अभी हम निकल रहे हैं वाइल्ड लाइफ सफारी की ओर, तो आज का जो फुल डे है हमारा वाइल्ड लाइफ सफारी होगा, प्लस हम फॉल जाएंगे, उसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे, क्योंकि परसों की ट्रेन वापसी की टिकट है, तो एक दिन घर पे ही रुकना ज़रूरी है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, होटल को वॉच करते हैं अलविदा राजगीर के होटल को, और जाते हैं अब यहाँ से हम निकल के जंगल सफारी की ओर। तो ब्लॉग में बने रहना, सीरीज़ में मज़ा ही आ रहा होगा, आई होप मज़ा आना भी चाहिए, क्योंकि तो बिहार एक अलग ही वाइब दिखा रहा है, एक अलग ही चीज़ दिखा रहा है। वो चीज़ अलग है कि हमने ज़्यादा प्लेस विजिट नहीं करी टाइम के इशू की वजह से, राजगीर नालंदा और गया ही में ही रुके हैं। पर हाँ ट्राई करेंगे हम कि नेक्स्ट टाइम जब बिहार आएँ तो मोस्टली कवर करके जाएँ। तो चलिए अब इसी एटीट्यूड के साथ, इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं हम लोग, इसी नज़ारे को कैप्चर करते हुए मिलते हैं आप लोगों से नज़ारे के बाद वाइल्ड लाइफ। राजगीर में मतलब जू सफारी के अंदर एंटर करने का गेट है, इलेक्ट्रो गेट तो नहीं है, मैनुअली ये है, स्कैनर वाला आगे है, और ये गार्ड दिए जो आपको टिकट देके भेजेंगे। यहाँ सबको मिलती है टिकट, की लाइन लगी पड़ी है लेकिन इनको मिलेगी नहीं अब, क्योंकि एक बज चुके हैं, एक बजे के बाद यहाँ टिकट नहीं मिलती है। ये है टिकट काउंटर मैनुअली, बाकी ऑनलाइन आप इनकी वेबसाइट पे जाके, बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं। और ये है यहाँ का बस थोड़ा सा नज़ारा, अंदर जाके है जो है पूरा, मतलब पहाड़ों के बीच में सारी चीज़ें। तो आइए और यहीं से बिहार का मज़ा लीजिए। तो मतलब ये है राजगीर कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर से एंट्री मिलती है नेचर सफारी जू सफारी के लिए, और ये इसके बिहाइंड का सीन है, मतलब गार्डन टाइप का बता रखा है। इसकी एंट्री फ़ी है मतलब 50 रुपये, जो कि आपको एक बजे से पहले पहले मिलती है, तो उसके लिए लाइन लगती है, 1000 टिकट मिलती है इसकी। और बाकी इसके बाद जो अंदर के जितने पार्ट्स हैं उसमें आप कवर अप कर सकते हैं, मतलब जाके आराम से जब मुझे जब टिकट ले सकते हैं। बट हाँ यहाँ भी मैंने सुना है कि 1 बजे से पहले ही मिलती है, तो मतलब अगर आए तो सुबह ही आए, सुबह ही कवर अप करें। अब ये है पूरा राजगीर का गार्डन स्टाइल, तो मतलब जहाँ पे एंट्री करनी है वहाँ से निकलना है। तो अभी फ़िलहाल तो अंदर घूमते हैं, और घूमने के बाद देखते हैं अगर क्या प्लान है। ये देखिए ये बौद्ध जी यहाँ भी हैं, और मतलब पूरी बाहर साइड से उन्होंने पूरा गार्डन बना रखा है, मतलब अगर सिर्फ किसी बंदे को यहाँ घूमना है तो सिर्फ यहाँ भी आ सकता है, बाकी उससे आगे जाने के लिए उस कॉम्प्लेक्स से आपको टिकट लेनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें स्कैनिंग में हो रही है, मतलब स्कैन होने के बाद। तो ये है कुछ राजगीर के नज़ारे, तो अब निकलते हैं हम राजगीर से, मतलब अंदर की ओर जाते हैं अंदर, और अंदर लेते हैं मज़े थोड़े कि सफारी, नेचर सफारी के मज़े। और जू सफारी तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि जू सफारी में मैंने सुना है जानवर ज़्यादा है नहीं, और प्लस में गाड़ी से जाना है, तो गाड़ी से वाली वाइब आएगी नहीं, आधे घंटे में घुमा के ले आएगा। तो चलिए चलते हैं। हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी तुम्हारा भाई पहुँच चुका है मतलब इनसाइडेड जू सफारी के। अभी हम मतलब बस में बैठे हैं, मतलब थोड़ा स्टोरेज इशू आ गया था, जिस वजह से हमको डाटा ट्रांसफ़र करने में थोड़ा टाइम लग गया, जिस वजह से ओपनिंग वीडियो नहीं बना पाए हैं एंटर करने की, और मतलब गाड़ी वगैरह में घुसने की। तो वो सारी चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूँगा तो आपको मैं दिखा दूँगा, बट अभी जो हम अभी जा रहे हैं हम जंगल सफारी के लिए, और हमें बस मिली है, ट्रैवलर बस है जिसके अंदर भी हम बैठे हैं। बहुत ज़्यादा हिला रही है, और ये जा रहे हैं मतलब जंगल सफारी की ओर। देख बस के मज़े लेते हैं, अभी तो कुछ नहीं दिखा है, धीरे धीरे आगे पहुँचते तो दिखाते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है, सच में है या बस ओनली प्रमोशन चल रहा है। तो बने रहे हमारे से बेरोजगार के साथ इस चैनल पे, तो देखें राजगीर के नज़ारे। चलिए सो अभी मतलब पहुंच चुके हैं नेचर सफारी के लिए, और ये यहाँ का फ्रंट गेट है जो हमारा वेलकम करते हुए। चलो इनसाइड जरा चलते हैं, देखते हैं
नेचर सफारी के जो यहाँ लाते हैं ये बस लाती हैं, एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर अंदर है, थोड़ी ऊंचाई पे है, वहाँ लेके आती है बस और यहाँ से अब निकलते हैं नेचर सफारी की ओर। चलिए आप लोग भी बढ़िया हमारे साथ वेलकम गेट को देखते हुए। तो यहाँ से एंट्री है, स्कैन करने वाले स्कैन करेंगे, स्कैन ही ऑप्शन होगा और यहाँ हैंड एंट्री होगी, देन यहाँ से आपको गाड़ी में लेके जाएगा। चला जाऊँ मैं भी? तो यहाँ से चले हम गाड़ी में, ये गाड़ियाँ लेके जाएगी हमें घुमाने। और ये मतलब पूरा नेचर से इन्होंने कवर कर रखा है, बिल्कुल नेचर से ये देख सकते हो आप, मतलब बिल्कुल जंगल है पूरी दोनों साइड, बस थोड़ी दीवारें बना रखी है, दीवारें वो कांट वांट लगा के होती नहीं यार, वैसी दीवारें वगैरह लगा के बना रखी है ताकि कोई जानवर अंदर ना सके। बाकी आगे आके ये पूरा ब्रिज का सीन है, ये देखिए अभी हम जा रहे हैं ग्लास ब्रिज पे, ग्लास ब्रिज पे मजे लेंगे। वो जो चाइना के अंदर है लेकिन वो हमारे इंडिया में भी और बिहार के अंदर बना दिया गया है, तो हम जा रहे हैं उसी चीज़ के मज़े लेने। अभी किस्मत भैया के पीछे पीछे चलते हैं, ऊपर चढ़ाई करते हैं और पहुंचते हैं ग्लास ब्रिज पे और मिलते हैं आप लोगों से ग्लास ब्रिज पे देखने के लिए कि हाँ वाकई में फील कैसा आता है। चलिए चलते हैं, देखिए मतलब वाइब देखिए कितनी तगड़ी आ रही है, मतलब यहाँ पे टॉयलेट भी इस तरीके से बना रखे बंकर्स में, ये देखिए मतलब भाई साहब ऐसा लग रहा है फुल्ली गुफा के अंदर आके वॉशरूम जाना पड़ रहा है, अलग ही भाई 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 मज़ा आ गया मज़ा। बाहर निकलते हैं गुफा से बाहर और ये रही हमारी वॉशरूम। सो फाइनली एंट्री हो चुकी है अपने ग्लास ब्रिज के लिए, पीछे से एंट्री हुई है, टिकट वगैरह रख ली उन्होंने और बोला है जाने के लिए टाइम लिमिट है यहाँ पे 10 से 10 मिनट है और आई थिंक 5 या 4 फोटो क्लिक करने को बोला है, बट हम तो वीडियो बनाएंगे। तो मतलब अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की स्टार्टिंग कैसे होती है, मैं अपना थोपड़ा हटाता हूँ आपको इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज दिखाते हैं। यहाँ से शुरू हो गया है ग्लास, भाई बहुत गर्म है, गर्म तो बहुत है यार। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है कि धूप हो रही है बहुत तेज तो गर्म बहुत हो रहा है, बहुत मोटी परत है बे। ये यहाँ से है थोड़ा ब्रिज की स्टार्टिंग, ये देखिए नीचे कौन बहुत डेढ़ लाख फोटो खिंचा लेल के हमरे बदनाम करो है। ये देखिए भाई अलग ही डर लग रही है, ऊंचाई देखें चल ना, ये ऊंचाई है सामने बिल्कुल पहाड़, इस साइड देखेंगे पूरी ऊंचाई है, वो मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सर घूम रहा है। ये देखिए नीचे ये है भाई बिहार की नज़ारे, बिहार के नज़ारे देख ले क्या क्या है बिहार के अंदर, कोई कहता है ना नहीं है कुछ। हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, हिल भी रहा है, ये देखिए बस हिल रहा है ब्रिज। और ये देखिए नीचे दिख रही क्राउड, देखे एक बार बस 30 ही लोग अलाउ है यहाँ आना, 30 से ज़्यादा अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ तो पूरा व्यू दिख जाएगा पूरे जंगल के नज़ारे। अरे अभी आए हैं कितना देर हो रहा है, जो पहले से भैया नहीं खाली करेगा तो अगला समय मिलेगा। ये चलिए बढ़िया भैया बैठा रहते हो।
चलिए टाइम ओवर हो चुका है, बिलासपुर से निकलते हैं और चलते हैं न्यू एडवेंचर की ओर। तो ये है पूरा यहाँ का बिलास ब्रिज, पूरा कांचों से, बहुत ऊंचाई पर है सीरियसली, बहुत। तो ये यहाँ से चलिए अब निकल लेते हैं और चलते हैं, और बस 10 से 12 मिनट ही आपको यहाँ रुका देता है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। ये कितनी मोटा है भाई, बहुत मोटाई पे, बाकी इसकी सीढ़ियाँ भी पूरी कांच की है। तो वहाँ से आने का है वो एंट्री गेट, पूरे पहाड़ों के बीच, पूरे पहाड़ों के बीच, और यहाँ से आप पूरा ब्रिज देख सकते हैं।